दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले के तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले। दो आलम तुम्हारा हुआ कमली वाले के तुम लो। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी पर सबसे बड़ा एहसान ये किया। मैं पर्सनली समझता हूं कि बावजूद इसके कि उस गाने वाली जिंदगी में था, गाने बजाने की जिंदगी में था, मेरा दिल इस बात की गवाही देता था कि ये तबलीग वाले, ये दावत वाले लोग जो हैं, ये अच्छे मुखलिस लोग हैं, इनसे जुड़ने में मेरा फायदा है। मेरा दिल इस बात की गवाही देता था, यकीन करो। हाँ, और फिर उसके असरात भी देख लिए आने वाले वक्तों में। मुझे आज तक याद है 16-17 हजार आदमी का क्राउड सामने बैठा होता था और गाड़ी में बाहर मौलाना तारिक जमील साहब और उनके साथी बैठ के मेरा इंतजार कर रहे होते थे। जब प्रोग्राम ख़त्म होता था, ऊपर जाता था, जाकर अपना शलवार कमीज पकड़ता था, पहनता था, नहाता था, धोता था, खामोशी से छुप छुपा कर आता था, इन हजरात की गाड़ी में बैठता था और ये मुझे मस्जिद ले जाते थे। मेरा दिल इस बात की गवाही देता था ये अच्छे लोग हैं, इनसे जुड़े रहना जुनैद, बावजूद इसके कि इनकी बात कभी समझ में आए ना आए। और दावत की बात तो इतनी सीधी सादी है कि उसको तो मतलब है कि कोई ये कह ही नहीं सकता कि हमें समझ में नहीं आती। अल्लाह से होगा, अल्लाह करेंगे। ये हाँ, समझ में तो आती है, दिल नहीं मानता, ये एक दूसरी बात है। अल्लाह करेंगे, दिल समझ तो आती है बात, दिल नहीं मानता कि अल्लाह वाकई अल्लाह से हो जाएगा। रायवंड पहुंचा, पहला सबक सीखा, पहला सबक सुना और सुनते ही मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मैं किस जगह आ गया, मुझे निकालो यहां से, मुझे इधर से निकालो। पहला सबक रायवंड पहुंचते जो सुना, हाँ, मेहनत से माल नहीं मिलता, माल से चीजें नहीं मिलती, चीजों में राहत नहीं, राहत अल्लाह के हुक्मों में। पहला सबक जो रायवंड में सुना और सुनते ही दिमाग ने फौरन इनकार कर दिया, ये क्या बातें करते हैं ये लोग, आसमानी बातें, आसमानी बातें। या मैंने एक मौलाना से अर्ज की उधर, मैंने कहा मौलाना क्या क्या आप आसमानी बातें करते हैं? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम वाकई आसमानी बातें करते हैं, हमारी सारी बातें या तो आसमान से ऊपर की हैं या जमीन से नीचे की हैं, बीच का हमें कुछ नहीं पता। और वाकई रायवंड के मुकीमों को वाकई बीच का कुछ नहीं पता। अजीब, दिमाग ने फौरन इनकार कर दिया, नहीं नहीं ये क्या बात है यार, मेहनत से माल नहीं मिलता तो फिर माल कहां से आता है, माल नहीं होगा तो चीजें कहां से आएंगी, और चीजें नहीं होंगी तो सुख कैसे मिलेगा। हाँ, हो ये तो इतना बोलना पड़ेगा, इतना बोलना पड़ेगा वजीफे की तरह, जैसे अल्लाह 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 बोलते ऐसे बोलना पड़ेगा। अब मेरा एक दोस्त, मैंने अपने एक दोस्त को देखा, हाँ, जिक्र कर रहा, अब वो जरा सी ऊंची आवाज में जिक्र कर रहा, तो अब अगर कोई कर रहा सुभान अल्लाह, तो समझ तो आ रही है ना क्या जिक्र कर रहा है, या अल्लाह मुहम्मद, समझ में आ रही क्या जिक्र कर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह, समझ में आ रहा है क्या, अब वो जिक्र कर रहा, अब उसका जिक्र ये चल रहा, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया में क्या बोल रहा है भाई, तो कह रहा मैं बोल रहा हूं दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है। अरे ये कौन सा जिक्र है? कहते हैं भाई यही तो सबसे जरूरी जिक्र है यार, यही तो समझ नहीं आती, मैं ये 300-300 दफा पढ़ता हूं रोज, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है। और दिल अंदर से कहता है नहीं, मैं फिर कहता हूं दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दिल कहता है नहीं, मैं फिर कहता हूं दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, दिल कहता है नहीं, मान भी जाता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन का मतलब क्या है, पिछली सारी बातें जो थी वो तो फजूल थी, अब जो बात करने वालों में ये जरूरी बात, हालांकि अगरचे चूके चुनाचे, इसका मतलब जितनी पहली बातें थी ना वो तो भाई भूल जाएं आप, ये अल्लाह से करते हैं जी, हाँ माशाल्लाह अल्लाह से ही होता है। लेकिन जुनैद साहब बात ये है, असल बात ये है, अच्छा वो पहली बात क्या थी, हाय हाय हाय, हाँ तुम ऐसे कर दो इसको,
ऐसे कर दो, हाँ हाँ ठीक है, जरूरत पड़ जाती है, कभी कभार आदमी के मुंह से झूठ भी निकल जाता है, आदमी कभी कभार हो जाता है, बेईमानी हो जाती है, ठीक है हो जाती है। लेकिन जुनैद भाई मैंने ये अर्ज करना है, बात यह है कि ये सारे के सारे मामला अल्लाह के हाथ में, ऐसे हो जाए गुफ्तगू, हाँ लेकिन जो है वो अल्लाह से पहले लगे, अल्लाह के बाद ना लगे। हुआ कमली वाले के तुम हो हबीबे खुदा कमली वाले।